Hello students, I am Ruchika from English Academy and today I am back with another lesson for students of class 11th. Ye chapter aapki English ki Hornbill book ka chapter hai. This is chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together, written by Gordon Cook and Alan East. Now before we proceed with the chapter, let us discuss the title. Title is very clear. ये किसी का dialogue है और ये dialogue किसका है? एक family का है. और वो family members क्या कहते हैं? कि जब तक हम सब इकट्ठे हैं, हम मरने से डरते नहीं हैं. क्या होता है? ये जो family है, ये एक sea voyage पर जाती है और a trip by sea. And at that time they face lot of trouble. बहुत ज़्यादा तूफान का सामना करना पड़ता है इन्हें, जिसमें इनकी शिप बहुत डैमेज हो जाती है, सबको बहुत चोट लगती है और एक बार तो ऐसा लगता है कि वो सब मर जाएंगे. और कितनी बहादुरी रखते हैं वो अपने दिल में, कितना हौसला रखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो कि डरते नहीं, घबराते नहीं. और वो कहते हैं कि जब तक हम एकजुट हैं, अगर हम मर भी गए तो हमें कोई दुख नहीं होगा. तो कैसे वो इस तूफान वाली सिचुएशन से निकलते हैं और फाइनली बच जाते हैं, यही बहादुरी की कहानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे. सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. वी विल रीड इट. आई विल एक्सप्लेन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड आई विल एक्सप्लेन द लेसन आल्सो. इन जुलाई 1976 माय वाइफ मेरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाइमाउथ इंग्लैंड to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. Voyage is a long journey made by sea or space. तो यहाँ पर sea travel को voyage कहा गया है. Duplicate means to copy something, किसी चीज की नकल उतारना. Now Captain James Cook was a very famous traveler और उन्होंने सी रूट से ट्रैवल करके अलग अलग रूट्स एक्सप्लोर किए थे, ढूंढे थे. तो यहाँ पर हमारे राइटर कह रहे हैं कि जुलाई 1976 में वो अपनी फैमिली के साथ एक सी जर्नी पर चल पड़े. तो उनकी वाइफ का नाम है मेरी, बेटा है जोनाथन जो 6 साल की उम्र का है, डॉटर का नाम है सुजैन, शी इज 7 ईयर्स ओल्ड. और वो लोग प्लाईमाउथ नाम की जगह जो कि इंग्लैंड में लोकेटेड है वहाँ से चले. और वो कहते हैं कि कैप्टन जेम्स कुक ने जो जर्नी की थी, जो उन्होंने सी रूट अपनाया था, हम भी उसी सी रूट पर चल पड़े. हम भी उसी सी रूट को डुप्लीकेट यानी कि कॉपी कर रहे थे. और हमारा एम क्या था? हमने पूरी दुनिया का एक ट्रिप काटना था, एक राउंड द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया का चक्कर काटना था. अब यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं ये जो रूट है, ये जो रेड कलर की लाइन से मार्क किया हुआ है, ये वो रूट है जो कैप्टन जेम्स कुक ने ट्रैवल किया था. ऑल दो ये जो रूट की एरोज हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, हमारे ऑथर ने अपना ट्रिप यहाँ से शुरू किया, प्लाईमाउथ जो कि इंग्लैंड में लोकेटेड है, फिर वो यहाँ से इधर को गए टुवर्ड्स द ईस्ट और फाइनली उन्होंने ये अफ्रीका क्रॉस किया, फिर वो ऑस्ट्रेलिया तक आए और फाइनली वो वापस अपने घर तक पहुँचे. तो ये जो ट्रिप है, ये जो रूट है, दिस इज द सेम रूट दैट कैप्टन जेम्स कुक हैड ट्रैवल्ड एंड दे ऑल आल्सो वेंट ऑन दिस सेम सी जर्नी. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, अ 37-year-old बिजनेसमैन, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आर लेजर टाइम होनिंग आर सी फारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स. Honing means improving, अच्छा करना. Seafaring means traveling by the sea. So what do we mean by honing our seafaring skills? It means समुद्री travel करने के जो skills हैं, यानी कि जब आप समुद्र से travel करते हैं, जब आप sea में travel कर रहे हैं तो बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी situations आ सकती हैं जिनका सामना करना आपको आना चाहिए. तो वो कहते हैं कि हम बहुत सालों से practice कर रहे थे और अपने skills को improve कर रहे थे ताकि हम खतरनाक से खतरनाक situations का सामना आसानी से कर सकें. और वो अपने ये sea faring skills को कहाँ पर होन कर रहे थे, कहाँ पर इम्प्रूव कर रहे थे? इन ब्रिटिश वाटर्स. नाउ व्हाट आर ब्रिटिश वाटर्स? हियर यू कैन सी, दिस इज द मैप ऑफ यूरोप.
यहाँ पर देखिए दिस इज ग्रेट ब्रिटेन, तो ब्रिटिश वाटर्स क्या हुए, वो समुद्री एरियाज जो ब्रिटेन के आसपास हैं, तो वो इस एरिया में बार बार सी ट्रैवल करते थे, अलग अलग वॉयजेस पर जाते थे ताकि वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। तो हमारे ऑथर हमें बताते हैं कि वो 37 ईयर्स ओल्ड थे और वो एक बिजनेसमैन थे, और वो कहते हैं कि उनको और उनकी वाइफ का एक कॉमन ड्रीम था। वो ड्रीम क्या था, कैप्टन जेम्स कुक जो कि एक बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर थे जिन्होंने अलग अलग जगहें ढूंढी थी ड्यू टू हिज पैशन फॉर सी ट्रैवल, हम भी उन्हीं की तरह अलग अलग जर्नीज करें सी में और जो रूट्स उन्होंने अपनाए थे उनको एक्सप्लोर करें। तो कहते हैं कि हम पिछले 16 साल से सी ट्रैवल कर रहे थे, अलग अलग जगहों की वोयाजेस करते थे, ट्रैवल करते थे ताकि हम एक दिन कैप्टन जेम्स कुक का जो वर्ल्ड का ट्रिप है उसकी कॉपी कर सकें। आर बोट वेव वॉकर, अ 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. Wooden hull means that the outer body of the ship was made of wood. So, ये जो ship है, उसका बाहर का जो हिस्सा है, ये लकड़ी का बना हुआ था. That is why it is called wooden hull. तो हमारे author और उनकी wife ने मिलकर ये सपना देखा था कि वो भी कैप्टन जेम्स कुक की तरह एक दिन वर्ल्ड ट्रिप पर जाएंगे, और उसके लिए उन्होंने एक शिप बनवाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा वेव वॉकर। ये शिप की डायमेंशंस क्या है, 23 मीटर्स एंड द वेट वाज 30 टन, और ये शिप वुड की बनी हुई थी। वो कहते हैं कि हमने ऐसी शिप तैयार की, इसे प्रोफेशनल से बनवाया और इसे फिट करने में यानी कि तैयार करने में बहुत सारा टाइम लगा, और फिर हमने इसे बहुत रफ वेदर्स में भी टेस्ट किया, यानी कि वो इस शिप को अलग अलग तूफानों में ले गए देखने के लिए कि क्या ये शिप उन तूफानों को बियर कर सकती है, क्या ये इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी ताकि वो सक्सेसफुली अपना सपना पूरा कर सकें। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। लेग मींस पार्ट या फिर फेज। तो अब राइटर ये कह रहे हैं कि उनकी ये जो जर्नी थी, ये जो वर्ल्ड ट्रिप था, इसके 3 पार्ट्स थे। तो कहते हैं कि ट्रिप का जो पहला पार्ट था उसका डिस्टेंस था 105,000 किलोमीटर, और वो ट्रिप में वो लोग यहां से चले प्लाईमाउथ से और यहां तक पहुंच गए, यहां तक अफ्रीका में जो केप टाउन है वहां तक। तो यहां पर उन्होंने अपने ट्रिप का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसका डिस्टेंस था 105,000 किलोमीटर और बहुत ही पीसफुली, बहुत ही आराम से उन्होंने ये फेज कवर कर लिया। आगे क्या हुआ, देयर Before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Siegler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. अब जब इनकी ship यहाँ पहुंची Cape Town पे, तो उन्होंने क्या किया, 2 crewmen को hire किया। वो crewmen कौन थे, Larry Vigil जो कि एक American था and Herb Siegler जो कि एक Swiss था, यानी कि Switzerland का native था। उन्होंने इन 2 लोगों को हायर क्यों किया, क्योंकि अब उनके ट्रैवल का जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें उन्होंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडियन ओशन, सदर्न इंडियन ओशन को क्रॉस करना था, और वो कहते हैं कि सदर्न इंडियन ओशन वर्ल्ड की रफेस्ट सी है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तूफान आते हैं, और इस एरिया को कवर करने के लिए उन्हें इन 2 लोगों की मदद चाहिए थी। तो उन्होंने लैरी विजिल और हर्ब सीगलर को हायर किया। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Strong gales means very strong winds. तो जैसे ही वो Cape Town से चले, दूसरे ही दिन बहुत ही heavy winds चलने लगी और काफी हफ्तों तक ये हवाएं चलती रहीं. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming. Up to 15 meters, as high as our main mast. Mast is a tall upright structure on the boat or ship. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो structure है, इसे mast कहते हैं।
तो कहते हैं कि मुझे तेज हवाओं से कोई चिंता नहीं थी, तेज हवाएं चल रही थी, बट वी वर ट्रैवलिंग बिकॉज उनकी शिप बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन हवाओं के साथ साथ बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें, बहुत ही ऊंची ऊंची वेव्स भी आ रही थी, एज हाई एज द मास्ट ऑफ द शिप. तो आप देख सकते हैं जब इतनी ऊंची लहरें आएंगी तो वो शिप को उल्टा भी सकती हैं, उसे डुबो भी सकती हैं, और इसी वजह से इस चीज से राइटर को चिंता हो रही थी. डिसेंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन. तो कहते हैं कि 25 दिसंबर के दिन हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर्स ईस्ट की डायरेक्शन में पहुंच गए थे. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. Atrocious means bad or of very poor quality. So, मौसम बहुत खराब था, लेकिन फिर भी उन सब ने एक बहुत ही अच्छा Christmas celebrate किया और उन्होंने Christmas tree भी सजाया. So, they were having a good time although weather बहुत खराब था. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon. And it did change for the worse. New Year's Day means January 1. तो कहते हैं कि 1 January तक भी मौसम में कोई सुधार नहीं आया. लेकिन वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि जल्दी मौसम में कुछ चेंज आएगा. और वो कहते हैं कि चेंज तो आया, लेकिन फॉर द वर्स, यानी कि मौसम और ज्यादा खराब हो गया. At dawn on January 2, the waves were gigantic. Gigantic means huge, of a big size. वो कहते हैं कि जैसे ही 2 जनवरी की सुबह आई, dawn means sunrise. तो कहते हैं जैसे ही दिन चढ़ा तो मैंने क्या देखा, बहुत ज्यादा huge लहरें उठ रही थी समुंदर में. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. Storm jib is a triangular stay sail set forward the mast in a ship. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पर्दा टाइप का लगा हुआ है मास्ट के पहले, that is a jib. तो कहते हैं कि हमने एक छोटा सा storm jib लगाया हुआ था. ये jib का purpose क्या होता है, आने वाले पानी की जो लहरें हैं, जो तूफान है, उसे रोकना. और वो कहते हैं कि छोटा सा जिप था, लेकिन फिर भी हम 8 नॉट्स, नॉट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर, यूज स्पेशली फॉर शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और विंड. तो वो कहते हैं कि हमारी स्पीड कितनी थी, 8 नॉट्स. सो दे वर ट्रैवलिंग, दे वर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 8 नॉट्स पर आवर. तो हालांकि इतना तूफान था, हालांकि इतनी तेज हवाएं भी चल रही थी, पानी में बड़ी बड़ी लहरें भी उठ रही थी, और उनका जिप भी बहुत छोटा सा ही था, लेकिन फिर भी वो 8 नॉट्स पर आवर की स्पीड पर ट्रैवल कर रहे थे. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस, एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. Enormous means very large size, बहुत बड़ी बड़ी. राइटर कहते हैं कि जैसे ही हमारी शिप एक लहर के ऊपर चढ़ती थी तो ऊपर से उन्हें क्या दिखता था, बहुत सारी बड़ी बड़ी लहरें उनकी तरफ आ रही थी, और ऐसे लगता था कि पता नहीं कितने सारे समुंदर उस पानी में मिल गए हैं, बिकॉज पानी का वॉल्यूम इतना था, इतनी सारी लहरें उठ रही थी, और साथ ही साथ हवा के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी. मींस हवा इतनी तेज चल रही थी कि हवा की जो आवाज थी वो भी कानों में दर्द कर रही थी, इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज थी. और साथ ही साथ हवा के साथ जो लहरें थी उनका छींटा पड़ रहा था उनकी शिप पर, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था. टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड अ हेवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न. मूरिंग इज अ रोप, चेन और एंकर, एक मोटी सी रस्सी जिसे आप बोट को या शिप को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं. लूप इज अ शेप प्रोड्यूस्ड दैट बेंड्स राउंड एंड क्रॉसेस. लूप क्या होता है, ऐसे गोल शेप में रस्सी को बांध लेना, उसे गोल करके यहां पर गांठ बांध देना, दैट इज अ लूप. एंड स्टर्न इज द बैक पार्ट ऑफ द शिप. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो शिप का पीछे का हिस्सा है इसे स्टर्न कहते हैं, और अगर आपने शिप को कंट्रोल करना होता है तो एंकर यानी कि उसे सी बेड में फिक्स करने के लिए आप उसके बैक पार्ट से ही एंकर रिलीज करते हैं.
तो अब उनकी शिप बहुत तेज जा रही थी और उसे स्लो करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रस्सी नीचे सी बेड की तरफ फेंक दी, जिससे जब वो रस्सी सी बेड में गड़ जाएगी तो उसकी मदद से उनकी शिप की स्पीड थोड़ी धीरे हो जाएगी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि तूफान के चलते वो अपनी शिप का कंट्रोल लूज कर रहे थे और उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे स्लो डाउन करने के लिए उनके ऐसा करना पड़ा। Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oil skins and life jackets and waited. Donned means wore, पहन लेना. Oil skins are heavy cotton cloth, waterproof with oil. Oil skin एक ऐसा cotton का कपड़ा होता है, बहुत ही मोटा और भारी, लेकिन उसे waterproof बनाया जाता है उसके ऊपर oil लगा के, इसलिए उसे oil skin कहा जाता है. डबल लैश मीन्स हर चीज के ऊपर डबल डबल रस्सियां बांधना और गांठे मार देना। तो राइटर कहते हैं कि तूफान इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था कि उन्होंने बोट पर हर चीज को रस्सियों के साथ बांध दिया। फिर उन्होंने अपनी जान बचाने वाली जो ड्रिल है, जो एक्सरसाइज है, वो की, और उसमें क्या था, लाइफ लाइन्स पहन लेना, ऑयल स्किन्स पहन लेना, लाइफ जैकेट्स पहन लेना। तो सब लोग तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे, उन्होंने अपनी शिप को भी सिक्योर कर लिया था और खुद भी लाइफ जैकेट्स और लाइफ सेविंग डिवाइसेस पहन लिए थे और अब वो इंतजार कर रहे थे फॉर द वर्स। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमनियस साइलेंस। इम्पेंडिंग मीन्स समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन, एंड ओमनियस साइलेंस मीन्स एन अनप्लेजेंट थ्रेटनिंग साइलेंस। कहा जाता है, आपने कहावत सुनी होगी कि तूफान से पहले जो सन्नाटा होता है, जो साइलेंस होता है, वो वार्निंग है कि तूफान आने वाला है। तो राइटर कहते हैं कि तूफान से पहले एक बहुत ही अनईजी सा साइलेंस छा गया था वहां पर और उससे ही मुझे ये इंडिकेशन मिल गई थी कि अब तूफान आने वाला है, एक डिजास्टर यानी कि एक अनहोनी होने वाली है, और ये इशारा आया शाम को 6 बजे। The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud toward aft of the ship. Aft means near the stern of the ship, यानी के backside of the ship. तो राइटर कहते हैं कि ये जो सिग्नल था ये क्या था, एकदम से विंड ड्रॉप हो गई यानी के विंड बंद हो गई, तो जो तेज हवा थी अचानक से वो बंद हो गई और आसमान एकदम से काला हो गया, घने घने बादल आ गए, और फिर क्या हुआ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोर की आवाज आई और शिप के पीछे अचानक से एक बहुत ही बड़ा ह्यूज क्लाउड आ गया। तो कैसे आपने देखा, वेदर में चेंजेस आए जिससे कि राइटर को ये सिग्नल मिला कि अब कोई डिजास्टर होने वाला है। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। Oh my God! एकदम से राइटर डर गए जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि आसमान में जो काले रंग का बादल है वो बादल नहीं है, वो एक बहुत ही बड़ा लहर है। पानी में, समुन्द्र में इतना बड़ा लहर उठा कि ऐसे लग रहा था कि वो बादल है। सो इट वॉज सो हाई, उनकी शिप इतनी नीचे है और ये लहर इतनी ऊंची है कि ऐसे लग रहा था कि आसमान में है। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल and almost twice the height of other waves with a frightful breaking crest. Frightful means very unpleasant or shocking, and crest is the top of the wave, लहर का जो ऊपर का पोर्शन है। वो कहते हैं कि ये लहर हमारे बिल्कुल वर्टिकल थी, वर्टिकल मीन्स एकदम सीधी, एंड बाकी लहरों से वो ऑलमोस्ट डबल हाइट की थी, तो इतनी ऊंची थी वो लहर। और वो कहते हैं कि उसका जो ऊपरी हिस्सा था वो बहुत डरावना था और वो अब ब्रेक हो रहा था, मींस अब वो लहर नीचे की तरफ आ रही थी, उनकी शिप की तरफ। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। ट्रेमेंडस मीन्स वेरी ग्रेट इन अमाउंट, शुक मीन्स The past tense of shake, यानी किसी चीज को हिला देना, and deck is the floor of the ship. अब ये जो लहर की आवाज थी
ये बढ़ती जा रही थी और अब ये एक थंडर बन गई थी, गरज रही थी वो लहर। और वो कहते हैं कि हमारी शिप उस लहर के साथ साथ ऐसे ऊपर की तरफ उठी और एक बार तो मुझे ऐसे लगा कि हमारी शिप इस लहर से भी पार कर जाएगी और सही सलामत इसे क्रॉस कर लेगी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, हमारी शिप बहुत जोर से हिलने लग गई, कांपने लग गई और उसका जो डेक है, जो फ्लोर है, वो तेज तेज हिल रहा था, कांप रहा था। तो एक इस तरह का एक्सप्लोजन हुआ जो कि बहुत ही बड़ा था, जिसकी वजह से उनकी शिप हिलने लग गई, शेक होने लग गई। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, माई हेड स्मैश्ड इन टू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। टॉरेंट मीन्स अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो अचानक से क्या हुआ, ये जो लहर है ये छपाक करके उनकी शिप के ऊपर आकर गिरी और उनकी शिप का जो डेक है, जो फर्श है, वो पानी से भर गया। वो कहते हैं हरे और वाइट कलर का पानी उनकी शिप के ऊपर गिर गया। और जब ये लहर उनकी शिप पर गिरी तो शिप पर सारी चीजें इधर उधर गिर गई। वो कहते हैं कि मेरा सिर जोर से जाकर व्हील में यानी कि स्टीयरिंग में टकराया। स्मैश्ड मीन्स शैटर्ड और वायलेंटली ब्रोकन। तो उनका सिर जोर से जाकर स्टीयरिंग में टकराया एंड He says, I was aware of flying overboard. और वो उड़ते हुए शिप के बोर्ड के ऊपर जाकर गिरे और फिर ये जो लहरों का पानी था उसमें डूब गए। तो ये जो enormous wave थी ये आकर उनकी शिप के ऊपर गिरी और सब चीजें हिल गई, सब चीजें इधर उधर गिर गई क्योंकि उनकी शिप को इतना बड़ा झटका लगा। राइटर का सिर जोर से जाकर स्टीयरिंग में टकराया और फिर वो उड़कर शिप के ऊपर ही गिर गए और पानी में डूब गए। I accepted my approaching death and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. तो एकदम से इस झटके का, इस चीज का क्या इफेक्ट हुआ राइटर पे, वो बेहोश हो गए और उन्हें बहुत शांत फील हो रहा था, यानी कि उन्हें डेथ लाइक सिचुएशन का एक्सपीरियंस हो रहा था। उन्हें ऐसे लग रहा था कि अब वो मरने वाले हैं और इसी वजह से जब वो बेहोशी में जा रहे थे उन्हें एक शांत सी फीलिंग का एहसास हुआ। लेट अस रीड फर्दर। अनएक्सपेक्टेडली माय हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वॉटर। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। कैप्साइजिंग मीन्स टू बी ओवरटर्न्ड इन द वॉटर, पानी में डूबने वाली थी। हॉरिजॉन्टल मीन्स पैरेलल टू द सी लेवल, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द सी। अब अचानक से राइटर का सिर पानी में से बाहर निकल आया और उन्होंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी। फिर उन्होंने देखा कि उनकी बोट, उनकी शिप वेव वॉकर पानी में डूबने ही वाली थी और उसके जो मास्ट था वो ऑलमोस्ट समुन्दर तक पहुंच गया था और जब मास्ट भी डूब जाएगा तो शिप पानी में डूब ही जाएगी, इसलिए वो कहते हैं कि वो ऑलमोस्ट पानी में डूब गई थी। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। हर्ड मीन्स टू थ्रो विद अ ग्रेट फोर्स, धक्का मारना। जर्क्ड टॉट, टॉट मीन्स स्ट्रेच्ड और पुल्ड टाइटली, एकदम कस के किसी चीज को खींच लेना। बूम इज द पोल दैट कंट्रोल्स द एंगल एंड शेप ऑफ द सेल। ये जो सेल होता है, जो पर्दा लगा होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए जो पोल लगाया जाता है उसे बूम कहते हैं। फिर नरेटर कहते हैं कि एक और बड़ी सी लहर आई और उसने वेव वॉकर को धक्का दिया और शिप सीधी खड़ी हो गई। तो ये वेव उनके लिए बहुत लकी थी, इसके धक्के से उनकी शिप जो कि पानी में डूबने वाली थी वो वापस पानी में खड़ी हो गई। और इसी झटके के साथ राइटर की जो लाइफ लाइन थी उसने उनको पकड़ लिया और फिर उन्होंने जो वेव वॉकर की रेल्स थी उन्हें पकड़ा और उसके सहारे से इस बूम की तरफ वो पहुंच गए। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. Rag doll means एक ऐसी गुड़िया जो कि फटे पुराने कपड़ों से बनाई जाए। तो अब नरेटर की हालत भी इस रैग डॉल जैसी ही थी। वो इतनी बार इधर उधर टकरा चुके थे, इंजर्ड हो चुके थे कि वो भी एक रैग डॉल की तरह थे।
और वो कहते हैं कि बाद में बहुत सारी लहरें आई और उन्होंने राइटर को इधर उधर शिप के ऊपर टॉस किया, यानी कि उछाला, टॉस मींस जंप करना, और वो डेक के ऊपर एक गुड़िया की तरह इधर उधर पटकते जा रहे थे। माय लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माय माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. तो यहां से हमें पता लगता है कि राइटर ने कितना करेज रखा, कितनी बहादुरी दिखाई। ये जो लहरें थी ये उन्हें इधर उधर पटक रही थी, तो जब कोई आदमी इतनी प्रेशर से कहीं पर भी गिरेगा तो उसे चोट लगेगी। और नरेटर को क्या क्या इंजरीज हुई, उनकी रिब्स का जो लेफ्ट पोर्शन है वो क्रैक हो गया, यानी कि उसमें दरार आ गई, उनके मुंह में खून भर गया, तो उन्हें इतनी चोटें लगी थी कि उनके मुंह में भी खून बह रहा था और मुंह में सारे दांत भी टूट गए थे। सो ही वॉज बैडली इंजर्ड, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ही केप्ट करेज। वो व्हील तक पहुंचे और उन्होंने उसे कस के पकड़ा, उसे स्टर्न किया और अगली आने वाली वेव का सामना करने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतने ज्यादा टॉर्चरस सिचुएशन में, इतने ज्यादा फिजिकल पेन में भी राइटर ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वॉटर वॉटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वॉटर बिलो, बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपियर्ड। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड। इन्वेस्टिगेट मीन्स किसी चीज को ढूंढना है, टू फाइंड आउट समथिंग। अब राइटर कहते हैं कि उनके चारों तरफ पानी ही पानी था, उनकी शिप में भी पानी भरा हुआ था और उन्हें ये लग रहा था कि शिप के जो नीचे के लेवल्स हैं उनमें भी पानी भर गया है, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें अभी व्हील संभालना चाहिए, इसलिए वो उसे छोड़कर नहीं गए। अचानक से जो आगे का दरवाजा था वो खुला और उनकी वाइफ बाहर निकली भागती हुई और वो चिल्ला रही थी कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वॉटर, टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। स्क्रैम्बल्ड मीन्स टू क्लाइंब, या किसी चीज की तरफ क्लॉज निकालकर उसे पकड़ने की कोशिश करना, एंड हैच इज द डोर। तो मेरी ये चिल्ला रही थी कि सारे डेक्स यानी कि शिप का जो फ्लोर है वो टूट चुका है और सारी शिप पानी में डूब रही है। तभी नरेटर ने उसे कहा कि तुम व्हील को, स्टीयरिंग को संभालो, और वो दरवाजे की तरफ गए, वो नीचे इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे कि कितना पानी भर गया है शिप में। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। अब लैरी एंड हर्ब कौन है, ये वो क्रूमैन है जिन्हें राइटर ने हायर किया था, और वो तेज तेज पंप्स की मदद से ये जो पानी भर गया था उसे शिप से बाहर निकाल रहे थे। Broken timbers hung at crazy angles, the whole starboard side bulged inwards, clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. Timber means a board made of wood, लकड़ी का बना हुआ तख्ता। Starboard is the side of the ship. Ship के जो sides का panel है उसे starboard कहते हैं। Bulged means to swell, जब वो पानी से गीला हो गया और टूट गया तो वो किसी भी दिशा में बाहर को निकल गया। Sloshed means floated with a splashing sound, पानी में तैरना। तो वो ये हालत बता रहे हैं कि उनकी शिप वेव वॉकर की क्या हालत हो गई थी इस तूफान के बाद। इधर उधर लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े दिख रहे थे, शिप की जो साइड की जो पैनल्स थे वो भी टूट चुके थे और अंदर की तरफ धस गए थे। सारी शिप के ऊपर कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, उनका जो सामान था वो पानी में इधर उधर तैर रहा था और शिप में बहुत सारा पानी भर गया था। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड सू, पॉइंटिंग टू अ बिग बंप अबव हर आईज। अब बेचारे नरेटर पानी में तैरते हुए, क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए अपने बच्चों के कमरे तक पहुंचे। कैबिन इज अ रूम। फिर उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ठीक हो, तो दोनों बच्चों ने कहा कि हाँ हम ठीक हैं। वो ऊपर के बिस्तर के ऊपर बैठे हुए थे। फिर उनकी बेटी सू ने कहा कि मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, और उसकी आंखों के ऊपर, उसके सिर के ऊपर एक बड़ा सा बंप बन गया था, यानी कि वो एरिया सूज गया था, इट हैड स्वोलन,
प्रॉबेबली उसका सिर किसी चीज में टकराया होगा, हिट किया होगा और उस वजह से उसे वहां पर चोट लग गई थी. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स. After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. Narrator ने देखा कि चलो बच्चे ठीक हैं, जिंदा हैं, थोड़ी बहुत चोट लगी है जिसे उन्होंने सोचा कि वो बाद में हैंडल करेंगे. अभी उनका मेन टास्क था अपनी शिप को संभालना, इसलिए उन्होंने कुछ इक्विपमेंट ढूंढे, हथौड़ा ढूंढा, स्क्रू ढूंढे, कैनवस ढूंढा और वापस डेक पर चले गए. What is a canvas? It is a thick cotton fabric which is used for various different purposes. With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. Bashed means struck hard and hit. अब ये जो लहर आई थी, इसने क्या किया था? इससे उनकी शिप को एक नुकसान पहुंचाया था. वो क्या था? उसकी जो स्टारबोर्ड साइड थी वो टूट चुकी थी, और जैसे ही कोई भी लहर आती थी और उनकी शिप से टकराती थी तो उनकी शिप में पानी घुस जाता था. तो राइटर ने ये रियलाइज किया कि अगर वो स्टारबोर्ड साइड को रिपेयर नहीं करेंगे तो वो पक्का ही समुंदर में डूब जाएंगे. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Canvas, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मोटा सा कपड़ा जो कि बहुत मजबूत होता है, एंड इट इज अनब्लीच्ड यानी कि रॉ क्लॉथ. तो अब राइटर ने क्या किया, उन्होंने स्टारबोर्ड साइड जो कि डैमेज हो चुकी थी उसे रिपेयर किया. उन्होंने उसके ऊपर कैनवस और वाटरप्रूफ क्लॉथ लगा दिया और जो होल्स बन गए थे उन्हें कवर करने की कोशिश की. सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड. डिफ्लेक्टेड मींस टू बी टर्न्ड असाइड यानी कि उसे रुख बदल देना. अब जब उन्होंने रिपेयर कर दी तो क्या हो रहा था, थोड़ा बहुत पानी तो अभी भी शिप में घुस रहा था लेकिन मेजोरिटी पानी बाहर ही रह रहा था. उसे ये कैनवस और वाटरप्रूफ क्लॉथ रोक रहा था, तो कुछ हद तक उनका रिपेयर काम कर रहा था. मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्री फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड. द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली. डेब्री मीन्स रबिश, कूड़ा करकट. अब वो कहते हैं कि एक और प्रॉब्लम आ गई, उनके जो हैंडपंप्स थे जिनकी मदद से वो शिप में से पानी बाहर निकाल रहे थे वो ब्लॉक हो गए, उनमें कचरा फंस गया और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट होकर खराब हो गया. तो जब पंप्स काम करना बंद हो गए तो एक बार फिर से शिप में पानी का लेवल बढ़ने लग गया. फिर उन्होंने क्या किया, Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor. Wrenched means torn. Tod dena, damage kar dena. Forestay is a rope to support the ship's foremast. Yani ki ek aisi rassi jo ki aage ke mast ko support karti hai. जिप जैसे कि मैंने आपको बताया था एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ जो कि मास्ट के आगे लगाया जाता है. डिंगीज आर स्मॉल बोट्स दैट आर अटैच्ड टू द शिप. राइटर ने डेक पर यह देखा कि उनके जो दो स्पेयर यानी कि एक्स्ट्रा हैंड पंप्स थे वो भी डैमेज हो चुके थे. जो शिप का फोर्स्टे सेल था वो भी डैमेज हो चुका था. जिप भी डैमेज हो चुकी थी. छोटी छोटी जो बोट्स उनकी शिप के साथ अटैच थी वो भी डैमेज हो चुकी थी और शिप का एंकर भी डैमेज हो चुका था. तो काफी नुकसान पहुंचा था उनको. देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क्ड. एकदम से उन्हें याद आया कि उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप था जो कि चार्ट रूम फ्लोर के नीचे पड़ा था. उन्होंने उस पंप को एक पाइप के साथ जोड़ा, उसे ऑन किया और वो चल पड़ा. तो एक बार फिर से शिप में से पानी बाहर निकलने लग गया. द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो. तो सारी रात वो लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा ठंड थी और उस ठंड में वो लोग तीन काम कर रहे थे. एक तो पंप की मदद से पानी बाहर निकाल रहे थे, शिप के स्टीयरिंग को संभाल रहे थे और साथ ही साथ रेडियो को चलाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो मदद मांग सकें. वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स व्हिच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. मेडे कॉल्स आर डिस्ट्रेस कॉल्स. अब ये लोग बार बार कोशिश कर रहे थे
कि अपने रेडियो को ऑन करें और अगर वो किसी के सिग्नल को कैच कर पाएंगे तो वो उन्हें डिस्ट्रेस कॉल भेज सकें और उनसे मदद मांग सकें। लेकिन जैसे कि वो दुनिया के एक बहुत ही रिमोट एरिया में थे जहां पर आसपास कोई भी सिविलाइजेशन नहीं थी, बस समुंदर था, पानी ही पानी था, इसलिए उनके सिग्नल्स को कोई भी कैच नहीं कर पा रहा था और उनकी डिस्ट्रेस कॉल्स को कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. Writer ki daughter bhi badly injured ho gayi thi. Uske sir ki jo chot thi wo bahut zyada sooj gayi thi. Uski aankhein bhi black ho gayi thi. Yani ki she had enormous black eyes. Uski aankhein ke aas paas ka area kala ho gaya tha. Aur uski baju par bhi ek bahut gehra zakham tha. Uski baju bhi cut gayi thi. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. Made more of her injuries means apne zakhmon ko discuss karna, sabko batana ki mujhe ye injuries hui hain. Narrator ne Sue se pucha ki tumne pehle kyun nahi bataya ki tumhe itni sari chote lagi hain. To usne kaha ki main aapko chinta mein nahi dalna chahti thi kyunki aap बिजी थे, आप हम सबको बचाने में लगे हुए थे, इसलिए मैंने सोचा कि अभी अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप और ज्यादा चिंता करेंगे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि सू जो कि सिर्फ 7 साल की उम्र की थी, कितनी मैच्योर थी, कितनी समझदार थी, रिस्पॉन्सिबल थी और इसीलिए उसने सोचा कि उसे अपने पेरेंट्स को और चिंता में नहीं डालना चाहिए। उसने उन्हें नहीं बताया कि उसे कितनी इंजरीज हुई है। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. तो 3 जनवरी की सुबह finally pumps ने इतना पानी निकाल दिया था ship में से कि अब वो खतरे से बाहर थे, they were out of danger. और इसलिए अब वो लोग क्या कर रहे थे, हर 2 घंटे के बाद एक इंसान rest ले रहा था। तो अभी तक वो लोग non-stop काम कर रहे थे क्योंकि वो अपनी शिप को बचाने में लगे हुए थे, उसमें से पानी बाहर निकालने में लगे हुए थे और जब पानी का लेवल खतरे से बाहर हुआ तो वो लोग रेस्ट करने लग गए। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वॉटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिप फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। स्मैश मीन्स बैडली ब्रोकन and keel is the steel structure along the base of the ship. Writer कहते हैं लेकिन अभी भी उन्हें ये लग रहा था कि ship में कहीं ना कहीं leakage है, यानी कि ship में कोई area टूटा हुआ है जहां से पानी ship में आ रहा है। और फिर जब उन्होंने check किया तो उन्होंने देखा और ये जो leakage थी ये water line के नीचे थी। water line क्या है, supposedly ये है आपकी ship और वो इतनी पानी में रहती है, पानी के नीचे रहती है। तो वाटर लाइन क्या है, ये जो लाइन है समुंदर का जो लेवल है, सरफेस है, इसके ऊपर का एरिया अलग है शिप का और नीचे का एरिया अलग। तो शिप की ये जो एरिया है जो पानी के सरफेस पे रहता है उसे क्या कहेंगे, वाटर लाइन। तो वो कहते हैं कि वाटर लाइन के नीचे यानी कि ये नीचे का जो पोर्शन है शिप का, इसमें कहीं ना कहीं लीकेज था और वहां से पानी शिप में आ रहा था। और जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि शिप की जो मेन रिप फ्रेम्स हैं सारे के सारे बुरी तरह से टूट गए थे और जो नीचे का स्टील स्ट्रक्चर था वहां तक ये सारी चीजें डैमेज हो चुकी थी। तो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था उनकी शिप को। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. तो कहते हैं कि शिप की जो स्टारबोर्ड साइड थी उस साइड का जो फ्रेमवर्क था, हल मींस द फ्रेमवर्क, वो पूरी तरह से टूट चुका था और उसे जोड़ने के लिए सिर्फ कुछ अलमारी की पार्टीशंस थी जो कि इंटैक्ट थी, जो कि उस साइड को जोड़ के रखे हुए थी। अदरवाइज स्टारबोर्ड साइड का जो फ्रेमवर्क है वो पूरा का पूरा टूट चुका था। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. पिछले 15 घंटे तो उन्होंने survive कर लिया था, अभी भी वो sail कर रहे थे, उनकी ship डूबी नहीं थी, लेकिन narrator को ये पता था कि वो Australia तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन्हें रास्ते में ही कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर वो रुक सके।
I checked our charts and calculated that they were two small islands a few hundred kilometers to the east. Writer ने charts निकाले, maps निकाले और calculate किया कि उनके रास्ते पर दो छोटे-छोटे islands पड़ते थे जो कि कुछ 100 kilometers दूर थे eastern direction में. तो जिस direction में वो लोग जा रहे थे, उसी रास्ते पर थोड़ी दूरी पर दो छोटे-छोटे islands थे. One of them, Isle Amsterdam, was a French scientific base. In दो islands में से एक island का नाम था Isle Amsterdam. इसकी location आप यहाँ देख सकते हैं world map पे. ये है Indian Ocean, ये है उसका southern part और ये जो star है, ये है Isle Amsterdam, जो कि एक French scientific base है. ये island फ्रांस की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर उन्होंने एक साइंटिफिक बेस सेटअप किया हुआ है, एक ऑब्जर्वेटरी सेटअप की हुई है. आर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन. पिन प्रिक इज अ प्रिक कॉज्ड बाय अ पिन. सुई से अगर आप किसी चीज को हिट करते हैं, सपोज आप अगर सुई के साथ अपनी स्किन के ऊपर एक प्रिक करते हैं, एक छोटा सा कट, एक छोटा सा निशान बनाते हैं जहां से खून निकलने लग जाएगा, उसे आप पिन प्रिक कहेंगे. तो यहां पर राइटर क्या कह रहे हैं, दीज वर पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, मींस द टू स्मॉल आइलैंड्स इन द वास्ट ओशन वर वेरी टाइनी लाइक द प्रिक कॉज्ड बाय अ पिन. अब अगर आप सुई के साथ प्रिक करते हैं तो वो जो एरिया है वो बहुत ही छोटा होता है. तो राइटर कह रहे हैं कि ये जो आइलैंड्स है ये भी इस बड़े समुन्द्र में एक पिन प्रिक की तरह थे, बहुत ही छोटे थे और उन्हें यही आशा थी कि अगर वो ये आइलैंड तक पहुंच जाएं तो शायद वो सरवाइव कर पाएंगे क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने की हालत में नहीं थे. बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड. अबेटेड मींस टू बिकम लेस इंटेंस. वो कहते हैं लेकिन एक चीज की जरूरत थी कि हवा की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाए, ये जो लहरें हैं ये भी थोड़ी सी शांत हो जाएं, तभी वो अपने सेल को हॉइस्ट कर सकते हैं. यानी कि जो सेल है, पर्दा है जिसकी मदद से उनकी शिप चलती है, तभी वो उसे लहरा सकते हैं. तो उसको लहराने के लिए उन्हें ये चाहिए था कि हवा धीरे हो जाए, लहरें भी धीरे हो जाएं, और इसलिए राइटर को लग रहा था कि इन आइलैंड्स तक पहुंचने के भी जो चांसेस हैं वो बहुत स्लिम है, यानी कि बहुत कम है. The great wave had put our auxiliary engine out of action. Auxiliary engine means the secondary engine. तो उनकी शिप का जो दूसरा इंजन था, जो emergency situations के लिए था, वो भी काम करना बंद हो चुका था. तो ये जो लहरें थी, इनके इफेक्ट की वजह से, इनके डैमेज की वजह से, शिप का सेकेंड इंजन भी काम करना बंद कर चुका था. On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. 4 जनवरी को 36 घंटे हो गए थे और वो कॉन्टिन्यूसली शिप में से पानी पंप करके बाहर निकाल रहे थे और फाइनली शिप में फ्यू सेंटीमीटर्स पानी रह गया था. यानी कि पानी का जो लेवल है शिप में, जो पानी का लेवल था वो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स डीप था. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वॉटर स्टिल कमिंग इन. वी कुड नॉट सी एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. अब उनका एक ही एम था कि शिप में और पानी डलने से रोकना. तो जितनी जगहों पर होल्स हो चुके थे या शिप डैमेज हो चुकी थी, वहां से पानी अंदर ना घुसे, यही उनका मेन एम था. और अभी तक वो मास्ट के ऊपर सेल नहीं लगा पाए थे, इसलिए उनकी शिप की जो स्पीड थी वो बहुत थोड़ी थी. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, सो वी हॉइस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर. Rigging means the ropes and wires. Hull is the framework of the vessel. Writer कहते हैं कि अगर हम सेल को लहराते तो उससे क्या होता, फ्रेमवर्क के ऊपर प्रेशर पड़ता, रस्सियों का प्रेशर पड़ता और वो टूट जाता क्योंकि वो एक साइड से ऑलरेडी डैमेज हो चुका था. इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल नहीं लहराया, उन्होंने सिर्फ स्टॉर्म जिब को हॉइस्ट किया, उसे लहराया और उसकी मदद से उन आइलैंड्स की तरफ वो चल पड़े. मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज. उनकी वाइफ ने खाना ढूंढा और उसे कुछ कॉर्न बीफ मिला और कुछ क्रैकर बिस्किट्स मिले और 2 दिनों में पहली बार उन सब लोगों ने कुछ खाया.
But our respite was short-lived. Respite means relief. ये जो relief उन्हें मिला था, जिसमें कि उन्होंने एक बार फिर से अपनी ship को संभाला था, वो short-lived था, यानी कि temporary था, थोड़ी देर ही चला, एक बार फिर से कुछ problem आ गई. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. एक बार फिर से शाम को 4 बजे काले काले बादल आ गए. वो उनकी शिप के पीछे से आ रहे थे और एक ही घंटे में हवा की स्पीड भी बढ़ गई. अब उसकी स्पीड कितनी थी? 40 knots per hour. और समुंदर में भी एक बार फिर से लहरें बड़ी होने लग गई. The weather continued to deteriorate throughout the night and by dawn on January 5, our situation was again desperate. Deteriorate means to get worse. बहुत ही खराब हो जाना. एक बार फिर से मौसम खराब होने लग गया. सारी रात मौसम खराब रहा और जब सुबह हुई 5 जनवरी को तो एक बार फिर से उनकी सिचुएशन डेस्परेट थी. एक बार फिर से वो तूफान में फंस गए. When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? I tried to assure him that we could make it. अब जब राइटर अपने बच्चों के पास गए तो उनके बेटे जॉन ने पूछा कि क्या हम मरने वाले हैं, तो उन्होंने उसे अश्योर किया कि ऐसा नहीं होगा. But Daddy, he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together, you and Mummy, Sue and I. John ने बहुत बहादुरी दिखाई. He was a brave child और उसने अपने डैड को कहा, लेकिन हम मरने से डरते नहीं हैं जब तक आप, मम्मी, मैं और सू हम सब इकट्ठे हैं. I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. अब राइटर ने जब अपने बेटे की हिम्मत देखी तो उसके पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे, लेकिन वो कमरे से बाहर चला गया और उसने ये फैसला किया कि वो पूरी हिम्मत लगा देगा इस तूफान का सामना करने में. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. To heave to means to raise or lift with effort. अब राइटर ने ये सोचा कि जो स्टारबोर्ड साइड का फ्रेमवर्क है, हल है जो कि डैमेज हो चुका है, उसे बचाने के लिए उन्होंने एक एंकर बनाया. इम्प्रोवाइज्ड मींस एक ऐसी चीज जिसे आप खुद से डेवलप करते हैं. तो उन्होंने ये एंकर बनाया मोटी नायलॉन की बनी रस्सी का, जिसे कि उन्होंने 2 प्लास्टिक के बैरल्स के साथ बांध दिया. ये बैरल्स किस चीज के थे? पैराफिन के थे और इनकी कैपेसिटी थी 22 लीटर्स ईच. बैरल इज अ बिग कंटेनर. तो राइटर ने इस नायलॉन की रस्सी को ऐसे बड़े बड़े 2 कंटेनर्स के साथ बांध दिया और उसे एंकर की तरह यूज किया शिप को सहारा देने के लिए, ताकि शिप तूफान के साथ आगे आगे जाकर पानी में डूब ना जाए. तो उसे कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने ऐसा एंकर बनाया. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. अब राइटर और उनकी वाइफ को ये लग रहा था कि वो खत्म होने वाले हैं, वो मरने वाले हैं, क्योंकि पानी की हर लहर के साथ शिप में पानी आ रहा था और एक बार फिर से मौसम खराब हो चुका था. तो दोनों बहुत डिसहार्टेंड फील कर रहे थे. बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट. Sextant is an instrument with graduated arc of 60 degrees for taking altitudes and navigation. Sextant एक ऐसा instrument है जिसके साथ आप अपनी position का अंदाजा लगा सकते हैं. आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस altitude पे हैं और आप अपना रास्ता navigate कर सकते हैं, यानी कि अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं. तो writer कहते हैं कि हम लोग तो बहुत disheartened थे, लेकिन wave walker strong थी. उसने इस तूफान का भी सामना कर लिया और जनवरी 6 को जब सुबह हुई तो हवा थोड़ी सी ईज हो गई, यानी कि कम हो गई, और फिर उन्होंने सेक्सटेंट के ऊपर रीडिंग ली अंदाजा लगाने के लिए कि वो कहां पर हैं. बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजिशन. तो अब राइटर ने अपनी शिप की पोजिशन कैलकुलेट करने के लिए किन किन चीजों का मदद लिया. उन्होंने चार्ट रूम में जाकर हवा की स्पीड को कैलकुलेट किया, उससे होने वाले रास्ते में जो बदलाव है
उनको कैलकुलेट किया, करंट के साथ जो उनकी शिप ड्रिफ्ट कर रही थी उसे कैलकुलेट किया, और फिर अंदाजा लगाने की कोशिश की कि वो किस लोकेशन पर हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वाज दैट वी वर समवेयर इन 150 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। अब जब उन्होंने हिसाब किताब लगाया तो उनको ये लगा कि वो जिस ओशन के हिस्से में है उसका पूरा टोटल एरिया कितना है, 150 किलोमीटर्स। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कितना वास्ट एरिया है ओशन का, उनकी शिप इस एरिया में कहीं थी, तो आसपास इतना बड़ा समुंदर है 150,000 किलोमीटर्स, और इस एरिया में वो एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। तो ये आइलैंड बहुत ही छोटा है, समुंदर का एरिया देखिए 150,000 किलोमीटर, और आइलैंड का जो विड्थ है वो है सिर्फ 65 किलोमीटर। तो इतने बड़े समुंदर में वो एक छोटा सा आइलैंड ढूंढ रहे हैं। व्हाइल आई वाज थिंकिंग सू मूविंग पेनफुली जॉइन मी, तो सू भी उनके पास आ गई और वो बेचारी दर्द से बहुत तकलीफ में थी। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी स्वोलन एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरोड टू स्लिट्स। She gave me a card she had made. सू के सिर का जो लेफ्ट पार्ट है वो बुरी तरह से सूज चुका था और उसकी आंखें भी सूज चुकी थी, काले रंग की थी, और अब उसकी आंखें सिर्फ स्लिट्स रह गई थी। तो उसकी आईज कैसी हो गई थी, ऐसे सिर्फ स्लिट दिख रहा था, पूरी आंख का आसपास का जो एरिया है वो भी सूज चुका था। और सू ने एक कार्ड बनाया था जो कि उसने अपने फादर को दिया। On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well." Caricatures means pictures of persons in cartoons. So, Sue ने अपने mom and dad के cartoon images बनाए हुए थे और साथ ही साथ ये text लिखा हुआ था card के front पर। Inside was a message. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. और कार्ड के अंदर सू ने लिखा था, Oh how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. तो वो अपने फादर को हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी और राइटर ने ये सोचा कि किसी ना किसी तरह से उन्हें सर्वाइव करना है और उन्होंने अपनी शिप को बचाने की पूरी कोशिश की। I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. अब राइटर ने बार बार कैलकुलेशंस की, उन्हें चेक किया क्योंकि वो गलत नहीं होना चाहते थे, he wanted to confirm. उनका जो मेन कंपस था जिसकी मदद से वो डायरेक्शंस का हिसाब लगाते थे वो गुम चुका था और उनके पास एक स्पेयर कंपस था, लेकिन मैग्नेट की वजह से होने वाली जो वेरिएशंस है यानी कि जो प्लस माइनस एरर्स होते हैं उनके लिए ये कंपस ठीक नहीं था, उसमें करेक्शंस नहीं हुई हुई थी। तो कंपस से अगर वो अंदाजा भी लगाते कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है तो वो अंदाजा एकदम एक्यूरेट नहीं था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स व्हिच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। अब राइटर ने सोचा कि जैसे कि जो कंपस है इसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं, तो उन्होंने उस एरर का मार्जिन रखा अपने हिसाब में, और साथ ही साथ इंडियन ओशन के इस हिस्से में जो वेस्टर्ली करंट फ्लो करता है यानी कि जो पानी का बहाव है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, उस करंट को भी उन्होंने अपने मार्जिन में ऐड कर लिया और फिर उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि उन्हें कितने डिग्रीज की डायरेक्शन में जाना है। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. So finally, writer ने ये हिसाब लगाया और वो deck पर गए। उन्होंने Larry को कहा कि steering को घुमा लो और 185 degrees की direction में चलो। If we were lucky, I told him with a conviction, I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. Conviction means determination. राइटर ने लैरी को कहा कि अगर हम लकी होंगे, अगर हमारी किस्मत अच्छी होगी तो हम शाम के 5 बजे तक आइलैंड पहुंच जाएंगे। राइटर कहते हैं कि मैं तो कन्विक्शन यानी कि डिटर्मिनेशन के साथ बोल रहा था, लेकिन लैरी के चेहरे से लग रहा था कि उसे मेरे पे भरोसा नहीं था। फिर भी उसने स्टेयरिंग घुमाया 185 डिग्रीज की तरफ और वो लोग उस डायरेक्शन में चलते गए।
Then with a heavy heart, I went below, climbed in my bunk and amazingly dozed off. Dozed off means went off to sleep. So, दोपहर के 2 बजे थे जब राइटर ने लैरी को ये कहा कि 185 डिग्रीज की डायरेक्शन में स्टेरिंग को घुमाओ और चलते जाओ और होपफुली 5 बजे तक हम आइलैंड को देख पाएंगे. इतना बोल के वो अपने कमरे में चले गए और जाकर सो गए. तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि वो इतने टेंशन के माहौल में भी सो कैसे गए. When I woke, it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the island and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. जब राइटर उठे तो शाम के 6 बज गए थे, अंधेरा हो रहा था. उन्होंने सोचा कि वो आइलैंड पर नहीं पहुंचे होंगे क्योंकि सिर्फ 65 किलोमीटर वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड को ढूंढना बहुत मुश्किल था. और उन्हें ये पता था कि जो सेल बचा है उसके साथ वो ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच सकते. तो क्या होगा कि वो वहीं पर डूब जाएंगे समुन्दर में. तो उनकी सिर्फ एक ही आशा थी कि उन्हें ये आइलैंड्स मिल जाएं क्योंकि अदरवाइज जो वेस्टर्ली विंड्स हैं और जो इतना फिरोशियस सी है उसे पार करना उन लोगों के लिए नामुमकिन था. एट दैट मोमेंट अ टसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक. Tussled head means disarranged hair of the narrator's son and bunk is the bed. तो जब राइटर ऐसा सोच रहे थे तभी उनका बेटा जोनाथन जिसके बाल ऐसे बिखरे हुए थे वो उनके बेड के पास आया और उसने कहा Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. Why am I getting a hug now? I asked. John ने अपने डैड को पूछा कि क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ. सू भी जॉन के साथ ही थी और राइटर ने उनसे पूछा कि तुम मुझे हग क्यों करना चाहते हो. उसने कहा बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड. तो जॉन ने उसे कहा क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा और सबसे अच्छे कैप्टन भी हो क्योंकि उसका अंदाजा सक्सेसफुल रहा था. उसने जो अंदाजा लगाया था कि आइलैंड किस दिशा में है वो सही था. Not today, John, I'm afraid. Writer अभी भी disappointed था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उन्हें आइलैंड मिल गया है और इसलिए उसने जॉन को कहा कि मैं अफ्रेड हूँ, आज मैं फेल हो गया हूँ, आज मैं ये प्रूव नहीं कर पाया कि मैं दुनिया में सबसे अच्छा डैडी हूँ, सबसे अच्छा कैप्टन हूँ. Why? You must be, said Sue in a matter of fact voice. You found the island. What? I shouted. सू ने कहा ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको प्राउड होना चाहिए क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो, दुनिया के सबसे अच्छे कैप्टन हो क्योंकि आपने आइलैंड ढूंढ लिया है. और वो शॉक था और वो चिल्लाया क्या, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड एज बिग एज अ बैटलशिप. तो दोनों बच्चे इतने एक्साइटेड थे वो जोर जोर से चिल्लाए कि आइलैंड हमारे सामने है, वो एक बैटलशिप जितना बड़ा है. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. Gazed means to stare at something, किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना. राइटर ये बात सुनके तेजी से डेक पर गया और उसने सामने आइल एम्स्टरडैम को देखा और वो बहुत ज्यादा रिलीफ फील कर रहा था कि फाइनली उन्हें ये आइलैंड मिल गया. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. Bleak means an area of island lacking vegetation. तो राइटर आइल एम्स्टरडैम की डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं. वो कहते हैं कि एक छोटा सा अनइनहैबिटेड डिजर्टेड सा आइलैंड था. इट वॉज जस्ट अ पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, एक पत्थर सा था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी होती थी, बहुत ज्यादा वॉल्केनोज इरप्ट होते थे. थोड़ी सी वेजिटेशन थी लेकिन वो कहते हैं कि ये आइलैंड दिखने में बहुत खूबसूरत था, दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड था. ऐसा वो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उनकी सर्वाइवल का लास्ट होप था, इसलिए उनके लिए ये आइलैंड इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था. वी एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर. एंकर्ड मीन्स टू मूव द शिप टू द सी बॉटम. अगर आपको शिप को पार्क करना है समुंदर में ताकि वो हिले ना, तो उसे एक एंकर के साथ जोड़ के उस एंकर को सी बेड में घुसाना पड़ता है जिससे कि वो शिप वहां पर फिक्स हो जाती है. ऑफशोर मीन्स सिचुएटेड एट द सी एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द शोर, तो समुंदर के किनारे से थोड़ी दूरी पर.
Ashore means on the shore of the land, यानी के समुद्र के किनारे पर आना. तो उन्होंने अपनी शिप को समुद्र के किनारे पर खड़ा कर दिया और रात अपनी शिप में बिताई. अगली सुबह इस आइलैंड के जो 28 इनहैबिटेंट्स थे उन्होंने इनकी मदद की और उन्हें आइलैंड पर ले आए. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इमेज है ये है मार्टिन डी विविस, एक फ्रेंच ऑब्जर्वेटरी जो कि आइल एम्स्टरडैम पर है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था आइल एम्स्टरडैम इज अ फ्रेंच प्रॉपर्टी. यहाँ पर उन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी सेटअप की हुई है, उसका नाम है मार्टिन डी विविस और इस ऑब्जर्वेटरी में टोटल 28 लोग रहते हैं जिन्होंने राइटर और उनकी फैमिली की मदद की और उन्हें आइलैंड पर ले आए. With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. Optimistic means hopeful and confident, positive. अब जब finally writer एक बार फिर से जमीन पर पहुंच गए, वो बहुत ज्यादा satisfied थे, बहुत ज्यादा relief feel कर रहे थे और फिर उन्होंने Larry और Herbie अपने crewmen के बारे में सोचा कि वो कितने चेयरफुल थे, जिंदा दिल थे, कितने पॉजिटिव थे. इतने स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी उन्होंने होप नहीं छोड़ी और उन्होंने कंटिन्यूसली मेहनत की और फाइनली आज उनका ये रिजल्ट था कि वो लोग जिंदा थे. और उन्होंने मेरी अपनी वाइफ के बारे में सोचा, उसने भी धैर्य नहीं हारा, इतनी हिम्मत दिखाई और उसी की वजह से, इन सब की हिम्मत की वजह से ही आज ये सब लोग बच गए थे. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. फिर राइटर ने अपने बच्चों के बारे में सोचा, उनकी बेटी सू जो कि सिर्फ 7 साल की उम्र थी लेकिन इतनी बहादुर थी, उसने उन्हें अपनी हेड में हुई इंजरी के बारे में नहीं बताया जिसे ठीक करने के लिए उन्हें 6 बार उसको ऑपरेट करना पड़ा क्योंकि बार बार वहां पे ब्लड क्लॉट बन जाता था उसके स्किन और स्कल के बीच में. स्कल क्या है? द बोनी स्ट्रक्चर विच कवर्स योर ब्रेन. तो उसके स्किन और स्कल के बीच में जो एरिया है वहां पे बार बार खून का क्लॉट बन जाता था जिसे रिमूव करने के लिए बार बार उन्हें ऑपरेशन करना पड़ता था. तो इतनी सिवियर हेड इंजरी हुई थी उसको. उनका जो बेटा था जॉन वो भी मरने से नहीं डर रहा था, उसने अपने फादर को कहा था कि जब तक हम सब साथ में हैं हम मरने से नहीं डरते. तो राइटर ये बता रही हैं कि उनके साथ जो भी लोग थे उनकी शिप में, उनकी वाइफ, उनके क्रूमैन और उनके बच्चे सब बहुत ज्यादा ब्रेव थे और इन सब की जो ब्रेवनेस थी, जो ऐसी वाइब्स थी, उनकी मदद से ही राइटर में भी हिम्मत आई, करेज आया और उन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई और इस इतने बड़े तूफान का सामना किया और आज वो सब लोग सरवाइव कर पाए और वो सब लोग जिंदा थे, वो फाइनली लैंड पर पहुंच चुके थे. तो इस स्टोरी से हम सबको यही लेसन मिलता है, यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए. चाहे कितनी ज्यादा मुश्किलें आए हमारे सामने, हमें उनका बहादुरी से डटकर सामना करना चाहिए. And with this, we come to an end of this chapter. Thank you for watching this video. I hope you've understood the lesson. And for many more videos, please subscribe to our channel, English Academy.